हम CAA और NRC के खिलाफ हैं और जल्द से जल्द सरकार इस को वापस ले लें। मैं रोज़ आती हूँ, जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से कि वो हमारी सहायता करे और हमारी परेशानियों को समझे और इस NRC और CAA को वापस ले लें। आज हमारे लिए आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था ताकि हमारी सरकार को ये पता चले कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम लोग भी अपने आप जो भी करेंगे हम लोग को भी उसकी तरफ प्रोटेस्ट करने का वो है, हक है। उसको तो होना पड़ेगा मूव, जब तक वो मूव नहीं होगी हम भी पीछे नहीं हटने वाले, हम भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक गवर्नमेंट मूव नहीं होगी। हम आए हैं पंजाब से आपको बताने के लिए, आपको ये कहने के लिए कि इस घड़ी में आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेले मत समझना। पूरा सिख समुदाय पंजाब का, हिंदुस्तान के बाकी सूबों का और दुनिया भर का मुसलमान के हकों के लिए आपके पूरे साथ है। हमारे साथ जो साथी आए हैं, हम पिछले 20 सालों से कश्मीर के हकों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं आपसे कुछ जरूरी बातें अपनी जिंदगी के तजर्बे में से शेयर करना चाहता हूं। ऐसी सरकार को आपने कहना है, हमने कहना है कि जुल्म की जब इंतहा होती है तो फिर उसका बदला भी लिया जाता है। बदला आपने जमहूरियत तरीके से लेना है, बदला आपने वोट के जरिए से लेना है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 2024 में इनको आपने पैकअप कर देना है। कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई दलित, कोई पीड़ित हिंदू ऐसे जुल्म करने वालों को कभी भी वोट ना दे। दिल्ली में वोट होनी है, यहां पर भी आप जो है इस बात को आगे लेकर जाएं, लेकिन आपने सतर्क होना, इस लहर को आगे चलने दे। इस लहर को आगे बढ़ाने के लिए आज 25 आए हैं, आप इसको बड़ा कीजिए, कल 2500 पंजाब से आएंगे। और जब तक CAA खत्म नहीं होता, इनको ये लगता है कि हमने कह दिया भाई पाकिस्तान से अगर सिख आ जाएंगे तो हम उनको नागरिकता दे देंगे, मुसलमान आएंगे तो नहीं देंगे, तो मुसलमानों को और सिखों को लड़ा देंगे। नहीं चाहिए हमको ऐसी नागरिकता, हमको पाकिस्तान में हमारे सिख भाइयों को जहां से हिंदुस्तान में रखा जाता है उससे ज्यादा बढ़िया रखा जाता है। ये हमको जो बांटने की कोशिशें कर रहे हैं ये हमें बर्दाश्त नहीं है। 2500 के बाद आप इस लहर को आगे चलाइए, हम 2 लाख बंदे पंजाब से आएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये लड़ाई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक ये जाएगी और हम इस जो जुल्म करने वाले हैं इनका तख्ता पलटे। ये वही पत्रकार हैं जो मोदी जी से उनके बटवे में कितनी चिल्लड़े, कितने नोटे पूछते हैं, कभी जुराब पहन करके एस्ट्रोनॉट बन के चांद पे चले आते हैं। जो दूसरे आए थे वो नैनो चिप ढूंढ रहे थे 2000 के नोट में। तो जब एक तरफा रिपोर्टिंग आप कर रहे हो तो आप आवाम से ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साथ दे देगी, आप यहाँ पर आके गालियां बक के जा रहे हो, विश्वसनीयता कहाँ रह गई इनमें। मैं तो गवर्नमेंट से ये मांग करता हूँ कि उस पर बैन किया जाए, अर्नब गोस्वामी को कंप्लीटली बैन किया जाए, उसके चैनल को रिपब्लिक को बैन। धर्म वही है जो लोगों को जोड़ता हो, जो तोड़ रहा हो वो धर्म नहीं हो सकता। वो संप्रदाय संप्रदाय नहीं है जो लोगों का बंटवारा करती हो, जो लोगों को तोड़ती हो। जोड़ना ये धर्म का काम है।
लेकिन हम लोग जो धर्म देश की ताकत होनी चाहिए थी, वो धर्म आज देश की कमजोरी बन गई है, कमजोरी बनती जा रही है। ये एक भारतीयों में एक अजीब जैसा नफरत का जो एक असर है वो देखने को मिल रहा है। यहां हर चीज को धर्म के नाम से बांटा जा रहा है। मैंने एक कविता कहीं पढ़ी, बड़ी सुंदर थी, उसमें बड़ा सुंदर लिखा था कि नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरत इतनी बढ़ गई, नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गए। जानवर भी बट गए, गाय हिंदुओं ने अपना ली और बकरा मुसलमान हो गए। ये पेड़ के पत्ते शाखें भी परेशान हो गए, ये पेड़ के पत्ते, ये शाखाएं, ये टहनियां, ये सब इंसानों को देख के बड़ी परेशान है कि ये क्या कर रहा है ये इंसान। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, और तो और सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए, न जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए, न जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह धर्म रंगों को भी बांटता जा रहा है, जिस तरह धर्म रंगों को भी बांटता जा रहा है कि हरा मुसलमानों का और लाल हिंदुओं का रंग है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमान की हो जाएंगी और हम हिंदुओं के बंटवारे में केवल टमाटर और गाजर ही रह जाएंगे। सारी हरी जो है वो इनकी, लाल लाल हमारी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या शायर कहता है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तरबूज को किस हिस्से में बांटूं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तरबूज को किस हिस्से में बांटूं, ये बेचारा तो ऊपर से मुसलमान और भीतर से हिंदू है। कितनी कितनी विचारों की जो मानसिकता बढ़नी चाहिए थी वो संकुचित कर ली, वो एकदम छोटी बना ली। देखिए, मैं जरूर एक निष्ठा में मानने वाली हूं, जरूर, इसमें कोई दोराया नहीं, एक निष्ठा हो, लेकिन देश बटे ना, समाज बटे ना। हां, मैं मानता हूं मेरे भगवान को और मुझे गर्व है इस बात का, लेकिन अगर तू तेरे भगवान को मानता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं उसे प्रणाम करता हूं, क्योंकि है तो वो भी एक शक्ति ही, चाहे तुम उसको कोई भी नाम दे दीजिए, मैं उसको सम्मान कर रहा हूं, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। देश बटे ना, हमारा हिंदू धर्म मजाक ना बन जाए। धीरे 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 ऐसा समय ना आ जाए जब लोगों को लगे अरे ये तो भारत देश जो कभी राष्ट्र विश्व का गौरव था वो कहीं धर्म में उलझ के ना रह जाए। हम भोग सिंह अभी ले गाड़ी ले भाग दर्शन करे।
कहाँ जाओ तुम्हें भी सर आप आगे नहीं जा सकते क्यों आदेश देश जो है संविधान से चलता है कानून से चलता है उसका मालूम नहीं सर आप आगे ऐसे कोई आदेश नहीं दे सकता 144 लगा है क्या बात है बताइए ये लोग कैसे जा रहे हैं इनको क्यों नहीं रोका आपने ये आम पब्लिक है सर तो हम भी आम पब्लिक आप इकट्ठे हो रहे हैं सर इकट्ठे का क्या मतलब इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते इतने सारे लोग तिरंगा उठाओ तिरंगा उठा ले कोई मना नहीं है आप नहीं जा सकते अरे भाई ये क्या बात है कोई आदेश है बताइए ऐसे नहीं कर सकते तो आदेश अफसर बताएंगे आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करिए इन लोगों का आप अपना नाम बैच दिखाइए अपना दिखाइए मुझे कैसे पता लगे आप किसी फोर्स से हैं आप अपना दिखाइए कोई भी ऐसा आजकल तो ऐसे कपड़े पहन के बहुत लोग घूमते रहते हैं आप पहन नहीं सकते हम तो आपको दिखा देंगे वीडियो इस तरह के कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं आप मनोज कांस्टेबल कहाँ से हैं किस थाने से आपको आदेश दिखाइए किस आदेश के आधार पे आप हमको रोक कैसे सकते हैं हम सड़क पर चल रहे हैं वहाँ तक जा रहे हैं हम आज दिल्ली के 30 जनवरी है आज गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम केवल हाथ पकड़ के खड़े होंगे हम कोई जनगण मन गाएंगे ना कोई हमारे पास लाउड स्पीकर है ना हमें कोई सभा करनी ना स्पीच देनी तिरंगा थामना है जनगण मन गाना है वो हम करेंगे यहाँ कॉर्नर पे खड़े होके करेंगे हम कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप हमें बताइए कारण बताइए ऐसे नहीं रोक सकते आप ऐसे नहीं रोक सकते वो पहले से आया सर कहाँ जा रहे हैं क्या मतलब कितने लोग भी जा सकते हैं कोई धारा 144 नहीं लगी है यहाँ पर तो नहीं लगी ना बस फिर आप हमें किसी को रोक नहीं रहे हम ना ट्रैफिक रोक रहे हैं 144 नहीं लगी ना बस तो फिर हम जा रहे हैं फिर काहे को रोक रहे दिल्ली गेट तो आ गए ठीक है आप इनका वीडियो लीजिए हम सुप्रीम कोर्ट में देखें मुझको आप जानते हैं मैं कौन हूँ मेरा नाम प्रशांत भूषण है मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह आप हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे 144 नहीं लगी कानून नहीं लगी हुई है ना आपको भी कानून तो आप हमें किस आधार पर रोक रहे हैं आप अगर आपके अफसर आए वहाँ पे हमें रोक रहे हैं जहाँ रोकना है आएंगे सर आज जहाँ मर्जी आए हम जाएंगे चलिए ना चलिए हम चल रहे हैं आप किस आधार पर रोक रहे हैं हम कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं ना हम सड़क को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ना हम कुछ कर रहे हैं हेलो मैं सबूत रखूंगा आज इस विधानसभा के अंदर ये लोग मोदी जी को पैसा देते हैं और बदले में मोदी जी इनके खिलाफ इनकम टैक्स नहीं होने देते नोटबंदी के पहले इन लोगों को बता देते हैं और इनका काम करवाते हैं ये आज मैं सबूत लेके आया हूं जी ये कागज मेरे कागज नहीं है जी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई उस रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड होती है वो वहां से सारे उनके कागज उठा के लाते हैं वापस आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है उन कागजों के आधार पे जिसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की उस रेड में उनके अकाउंटेंट से पूछा इनकम टैक्स वालों ने अकाउंटेंट का नाम कोई सक्सेना था सक्सेना ने कहा जी मैं हवाला का पैसा लेके आता हूं मेरे बॉस हैं उनका नाम शुभेंदु अमिताभ है वो जिस जिस को कहते हैं फिर मैं उनको पैसा बजा के बांट देता हूं
शुभेंदु अमिताभ बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। शुभेंदु अमिताभ के लैपटॉप, फोन, ब्लैकबेरी सब चेक किए गए तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली। ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम के आगे 25 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लिखा 12 डन, 12 दे दिए, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एनालिसिस की है, ये उसकी एनालिसिस की कॉपी है। एनालिसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखता है, कंसीडरिंग द हाईली इंक्रिमिनेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क ऑफ शुभेंदु अमिताभ एंड इवेसिव रिप्लाइज एंड अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स मेड बाय हिम, इट वुड बी इंपरेटिव फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू स्क्रूटिनाइज द डेटा अवेलेबल इन सीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क एंड डिटरमिन द क्वांटम ऑफ इनकम कंसील्ड बाय श्री शुभेंदु। अप्रेजल रिपोर्ट उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है और असेसिंग ऑफिसर फिर 2 साल लगा के उसकी इनकम का असेसमेंट करता है, ऑर्डर करता है। अक्टूबर 2013 में रेड हुई थी, उसके बाद 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई तो असेसिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी जो इसकी जांच कर सके। उसके बाद तो इसकी कोई जांच नहीं हुई उसके बाद, और अब ये केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सेटलमेंट कमीशन में इस केस को भेज दिया और बहुत जल्दी ये केस खत्म होने वाला है। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी मजे की बात है, इसी रिपोर्ट के अंदर बिड़ला ग्रुप के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं गुजरात सरकार में उनकी लिस्ट दी हुई है। इससे शक पैदा होता है कि आप ये पैसे ये काम करवाने के लिए दिए गए थे क्या। इसमें लिखा है लेवी ऑफ स्टैंप ड्यूटी मैटर हैज बीन टेकन अप एट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल एंड थ्रू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस डेप्यूटी कलेक्टर स्टैंप हैज बीन इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गांधीनगर नॉट टू इनिशिएट एनी एक्शन। मतलब कि मुख्यमंत्री दफ्तर, गुजरात के मुख्यमंत्री दफ्तर ने स्टैंप ड्यूटी ना लेने के आदेश दे दिए हैं। इनको गैस की जरूरत थी तो इसमें लिखा है गैस के लिए भी बात हो गई है। तो जो जो काम पेंडिंग थे गुजरात सरकार में उनकी सबकी लिस्ट दी हुई है। तो एक मन में यह शक होता है ये 25 करोड़ रुपए ये सारे काम करवाने के लिए पैसे दिए गए थे क्या। एक और इसी तरह का इंसिडेंट हुआ, अगर ये एक ही होता तो लगता कुछ गड़बड़ है। 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहां रेड हुई, एक कमरे से 130 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला, वहीं पे कुछ कागज मिले, उन कागजों में भी नरेंद्र मोदी जी का नाम है कि लगभग 400-500 करोड़ रुपए देने की बात है उन कागजों के अंदर, और कई नेताओं के नाम है, कई मुख्यमंत्रियों के नाम है देश के, उनमें नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है। लेकिन इसकी अब जांच कौन करेगा? भारत के इतिहास में शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का काला धन का जो खाता बही खाता हर बड़ा बड़ा जो भी बड़ा उद्योगपति खरबपति होता है उसका एक एक नंबर का खाता होता है और एक काले धन का खाता होता है। इतने करोड़ों का पैसा ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। काले धन के खातों के अंदर किसी प्रधानमंत्री का बाय नेम नाम आता हो, मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में दूसरी बार सरकार बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनको पूरा करने के बजाय उसने फालतू के मुद्दे उठाकर वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया है और उस पर ही लगता है उसकी सारी रणनीति और राजनीति टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित करने की नियत से ऐसे ही मुद्दों को पिछले 5.5 साल के कार्यकाल के दौरान उठाया है जिनसे हिंदू समाज के वोट को ध्रुवीकरण कर अपने पक्ष में लामबंद किया जा सके, और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकार
कामयाब भी हुए हैं, जैसे 3 तलाक, गौ रक्षा, घर वापसी, मॉब लिंचिंग, राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामला, CAA, NRC, NPR, अनुच्छेद 370 और धारा 35A जैसे मुद्दे उठाकर उसने एक तरह से हिंदुस्तान में रह रहे हिंदुओं को ये संदेश दिया है कि वे किसी भी कीमत पर यहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों, ख़ास तौर से मुसलमानों के प्रति किसी भी तरह का उदारता का व्यवहार करने का मन नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोज़गार, किसानों की समस्या, महिलाओं की दुर्दशा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, महंगाई, नोटबंदी, GST जैसी चीज़ों को हल करने की दिशा में भी प्रभावकारी कार्य नहीं किए हैं, बल्कि उनके इन कदमों से देश की जनता प्रताड़ित ही हुई है। चुनाव आयोग भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया से ही सारे भ्रष्टाचार पैदा होते हैं। चुनाव आयोग चुनाव सुधार और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में निष्प्रभावी दिखाई दे रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और जाति पात धर्म का इस्तेमाल कर समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, उसको रोकने में पूरी तरह से चुनाव आयोग नाकाम साबित हो रहा है। इसी तरह से आदर्श आचार संहिता, जो कि चुनाव आयोग चुनावों से पहले लगाता है, जिसका पालन सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को करना होता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदर्श आचार संहिता का पालन चुनाव आयोग और उसके नुमाइंदे सख्ती से छोटी पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों के ऊपर तो लागू करते हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों को इससे छूट ही मिलती है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को चुनाव अधिकारियों से और रिटर्निंग ऑफिसर से अपने वाहनों, प्रचार सामग्री और प्रचार कार्यक्रमों की अनुमति लेना होती है, उसमें भी चुनाव आयोग के अधिकारी पक्षपात करते हैं। यहाँ तक कि छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के कर्मचारी अधिकारी चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करते हैं, तबकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिस्सेदारी करने की छूट मिलनी चाहिए और प्रत्याशियों को चुनाव आयोग द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए अपने चुनाव प्रचार और कार्यक्रमों को करती हैं, उससे देखते हुए लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने के अपने दावे और वादे से मुकरता प्रतीत हो रहा है। चुनाव आयोग को निर्देश देना चाहिए कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में एक तरफा तरीके से प्रत्याशियों और बड़ी राजनीतिक पार्टियों से मोटी राशि लेकर उनका प्रचार और प्रसार किया जाता है, उस पे भी रोक लगनी चाहिए। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है
कि सभी प्रत्याशियों को एक समान प्रचार करने की अनुमति मिले और उनको सरकारी और गैर सरकारी प्रचार माध्यमों में कम से कम तुलनात्मक तौर पर बराबर की भागीदारी मिले, ताकि जनता के बीच सभी प्रत्याशी कम से कम एक मानदंड के अनुरूप समान तरीके से अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों और अपने प्रचार को जनता के बीच ले जा सकें और जनता को भी अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए एक सही वातावरण मिले और वो बिना भ्रमित हुए चुनाव मैदान में आए हुए प्रत्याशियों के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके चरित्र को जानने के बाद अपने कीमती वोट का इस्तेमाल कर सकें। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, उससे देखते हुए ये लगता है कि इनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई ठोस वैकल्पिक नीति नहीं है। बस ये एन केन प्रकरण किसी भी तरह से जनता का वोट हासिल कर 5 साल के लिए उस पे राज करने की नीति पे काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली वासियों को चाहिए कि वे प्रत्याशी के व्यक्तित्व को ज़्यादा तरजीह दें, ना कि पार्टी को। अगर वे ईमानदार, सक्षम और शिक्षित व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो वो विधानसभा में उनकी बात को मुस्तैदी से और मजबूती से उठाएगा और उनके क्षेत्र के विकास के लिए और संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अपनी क्षमता का सही सदुपयोग उनके पक्ष में कर सकेगा। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि पार्टी प्रतिनिधि चुने जाने की स्थिति में विधायक अपनी पार्टी के प्रति ज़्यादा वफादार होता है, ना कि जिनके वोट से वो विधायक बना है उनके प्रति वफादार हो। इसलिए दिल्ली वासियों को चाहिए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तथा कथित बड़ी पार्टी कही जाने वाली राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाएं और जो भी व्यक्ति अपने सीमित संसाधनों से, अपने दमखम के ऊपर जनता के सहयोग से उनका प्रतिनिधि बनना चाहता है, उसको जात पात धर्म हर सीमा से ऊपर उठकर वोट देकर अपना विधायक चुने, ताकि इन तथाकथित बड़ी पार्टियों को, जो कि पूंजीपतियों की दौलत के दम पर प्रचार प्रसार करती हैं, उनको सबक सिखाया जा सके। जिस तरीके से शाहीन बाग में जो करीब 2 महीने से CAA के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप कर रही है, वो ठीक नहीं है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से पंगु साबित हो रही हैं। अगर CAA राष्ट्रवासियों और देशवासियों के लिए इतना ही ख़राब है, तो सभी विपक्षी पार्टियों को, जो भारतीय जनता पार्टी से सहमति नहीं रखती हैं और जिनको ये मानना है या जिनका ये मानना है कि CAA भारत की जनता के लिए उचित नहीं है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर एक दबाव बनाकर इस कानून में संशोधन के लिए पहल करना चाहिए। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो जो कर रही है सो कर ही रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और
अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जो कि ये बात तो कहती हैं कि सीएए जिस रूप में लागू किया गया है वो ठीक नहीं है, लेकिन वे ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सीएए से सबसे ज़्यादा प्रभावित मुस्लिम और दलित समुदाय होने वाला है, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। मेरा इन दोनों समुदायों से आग्रह है कि वे किसी भी क्षेत्रीय दल या राजनीतिक पार्टी की आस लगाए बिना अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें, एकजुटता का परिचय दें और दलित मुस्लिम समुदाय हर हालत में पूरे देश में एकजुट होकर सीएए के विरोध में आर पार की लड़ाई लड़ें। ये लड़ाई सिर्फ शाहीन बाग तक ही सीमित ना रहे, ऐसा मेरा अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समुदाय के भाइयों से निवेदन है। सीएए के विरोध को और पैना रूप देने के लिए राष्ट्र स्तर पर आंदोलन किए जाने की ज़रूरत है, और ये बात भी ध्यान रखने की है कि ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो। इस आंदोलन में किसी भी तरह से सरकारी प्रायोजित गुंडे या अराजक तत्व जो समाज में दुराव पैदा कर भाई भतीजेवाद को बढ़ाकर और किसी भी तरह से भारतीय सद्भाव को नुकसान पहुंचाकर नफ़रत पैदा करने चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेरना चाहिए। किसी भी कीमत पर सीए के विरोध को लेकर आगजनी, तोड़फोड़, उग्र प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए और हर हाल में सीए को वापस करने के लिए सरकार के ऊपर कानून सम्मत दबाव बनाना चाहिए और रोज़ कोई ना कोई लिखित तौर पर मेमोरेंडम और ज्ञापन सरकार को सौंपना चाहिए। हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी सरकार को अपनी मंशा और अपनी आशंकाओं के बारे में बताना चाहिए। मेरा विपक्षी सांसदों और राजनीतिक पार्टियों से यह भी आह्वान है कि सीएए में जो कमियां हैं या देश के अल्पसंख्यकों और दलित समुदाय के लिए ये कहां कहां घातक साबित हो सकता है, इसको लेकर पूरा अध्ययन कर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर मिलें और उनको सारी बातों से अवगत कराकर इस कानून में संशोधन की बात कहें। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को विपक्षी दल और ख़ास तौर से मुस्लिम और दलित समुदाय ऐसा संकेत कतई ना दें कि जैसे वे हर हालत में इस कानून को बदलवाना ही चाहते हैं। इस कानून में अगर कोई ऐसे प्रावधान हैं जिससे दलित और मुस्लिम समुदाय को भविष्य में नागरिकता प्रमाणित करने में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो उन आशंकाओं को दूर करने के लिए एक सकारात्मक प्लानिंग कर केंद्रीय सरकार से समस्त विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि दल का नेतृत्व करते हुए प्रतिनिधि दल एक उनसे मिले और अपनी बातों को कानून सम्मत तरीके से संविधान की परिधि में मनवाने के लिए आग्रह करे। इन सब प्रयासों के बावजूद भी यदि केंद्र सरकार हटवादिता दिखाती है और किसी भी कीमत पर इस कानून के उन प्रावधानों को भी हटाने को नहीं तैयार होती या संशोधित करने को नहीं तैयार होती जिनसे अल्पसंख्यक और दलित समुदाय आशंकित है, तो फिर मुस्लिम और दलित समुदाय को इसके लिए अपना आंदोलन
तेज करने की छूट होनी चाहिए और उनको तेज करने का अधिकार भी है, लेकिन पहले सरकार के पास एक प्लान के तहत सकारात्मक रूप से अपनी बातों को विपक्षी पार्टियों के सांसदों को वक्त लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को आगाह करना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए दुराग्रह से ग्रसित होकर हिंदू समाज के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की हरकतें करती रहती है, तो फिर लोकतंत्र की स्थापना और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पिछले 5.5 साल से कई विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को ईडी, सीबीआई, सीवीसी, सुप्रीम कोर्ट का डंडा दिखाकर आतंकित करती रही है। अगर राजनीतिक दल इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अन्यथा दबाव में आते रहे तो वे दिन दूर नहीं जब सभी राजनीतिक पार्टियों का भारत की राजनीति के नक्शे से नामोनिशान मिट जाएगा। इसलिए अगर राजनीतिक दलों में ये क्षमता है और वो जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार से बिना दबे, बिना डरे, बिना डिगे मुकाबला करना चाहिए और हर हाल में सीएए ही तो क्या, सीएए तो क्या, किसी भी ऐसे कानून और व्यवस्था का विरोध करना चाहिए जो राष्ट्र हित, संविधान हित और जनहित में ना हो। राष्ट्र हित में जारी, जय हिंद। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन मिस्टर यूनिक रेबेल का कहना है कि इसमें एक दोषी मुकेश सिंह, वो इस गुनाह में शामिल नहीं है और उसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए। उसको, एक निर्दोष को फांसी के तख्त पे चढ़ा देना न्याय व्यवस्था पर एक करारा तमाचा होगा। उनका दावा है कि वे अपनी बातों से और तथ्यों से ये साबित कर देंगे कि मुकेश सिंह अन्य आरोपियों की तरह बलात्कार में शामिल नहीं था, वो पूरी तरह से निर्दोष है, लिहाजा राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए और उसको किसी भी कीमत पर 22 जनवरी को, जो कि फांसी की सजा का दिन निर्धारित है, फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर फांसी के फंदे से झूलने से रोकना होगा। आइए मिलते हैं यूनिक रोबेल से, वे खुद बताएंगे इस बारे में विस्तार से। नमस्कार, गुड इवनिंग मिस्टर यूनिक रोबेल, आप पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं पिछले 30 साल से उस हद तक नॉलेज की उस हद तक पहुंच सका हूं जहां तक ना कोई पहुंच सका था, ना है, ना सकेगा, क्योंकि जो नॉलेज और एनालिसिस के बेस पर और तथ्यों के बेस पर इस बात को आसानी से समझा जा सकता है, और जो तथ्य मुकेश सिंह बोल रहा है और वो मीडिया उसको किस तरह से उछाल रहा है, किस तरह से उसको बता रहा है मीडिया कि मुकेश सिंह कहता है कि ये गलती उस लड़की की थी जो रात में इस तरह से निकली, ये उसके उसके उसका वो इलिटरेसी है, उसका दिमाग कम है, कल्चर और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम ने उसको ऐसा माहौल दिया है कि वो इस बात को नहीं समझ पा रहा कि एक जो लेडी है उसका जो जो लेवल है या कानून में उसकी जो स्टेटस है वो आदमी के बराबर है।
क्योंकि उसका ओल्ड माइंड सेट है, प्लस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ऐसे लोगों को हम पढ़ा नहीं सके हैं कि वो इस बात को समझ सके, औरत को रिस्पेक्ट दे सके। क्योंकि उसने औरत को रिस्पेक्ट नहीं दी, इस बात को मीडिया बार बार उछाल रहा है कि वो ये वो बार बार उसको ब्लेम कर रहा है कि उस लड़की ने गलत कपड़े पहने थे तो हमारे मेरे जो दोस्त थे वो इस तरह से उस पर क्या नाम है उनको उकसा गए और वो ये क्राइम कर बैठे। अब जो लड़की गलत कपड़े पहन रही है, एक लड़के के साथ घूम रही है, अगर उसका रेप भी हो रहा है उसकी नज़र में, मैं मुकेश सिंह की नज़र में बोल रहा हूँ, वो सोचता है कि ऐसी लड़की अगर एक के साथ घूम रही है, दो चार के साथ और भी घूमे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर वो ऐसे विचार रखता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है। अभी तक क्योंकि ये इसके मीडिया केस बन गया था, पहला केस बन गया था जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुई, पूरे हिंदुस्तान में एक जागरूकता आई कि एक कानून बनना चाहिए, औरत को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर हमारे कानून में भी ये लिखा है और ये बात ह्यूमैनिटी वाइज और इंसानियत के लिए भी है कि किसी इनोसेंट को वो इनोसेंट फांसी के तख्ते पर या पनिश नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब क्रिमिनल हैं। अब इसमें एक चीज का जवाब दीजिए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो इनोसेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने, इवन राष्ट्रपति जी ने भी उसकी दया याचिका रद्द कर दी और उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। तो आप एक व्यक्ति के तौर पे सिर्फ अगर ये कहते हैं कि वो इनोसेंट है, उसको फांसी नहीं मिलना चाहिए, इसको कैसे माना जा सकता है? देखिए, जो मुकेश सिंह का जो 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 कन्विक्शन है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर हुआ है। वो कह रहा है मैं बस चला रहा हूं, बस चलाते हुए अगर वो रोकता है और उनको अंदर आने देता है और ये उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो सवारी उसके बस में आए उसको वो सुरक्षा पूर्ण उतारना चाहिए, उसको वो ये नहीं उतार सका क्योंकि वो असहाय है, वो अकेला है, पांच जो जने उसमें उसका भाई भी है, उसमें वो दबा हुआ है। वो ये सोचता है कि जो भी लड़की जो गंदे कपड़े पहनकर सड़क पे घूम रही है, क्योंकि वो इलिटरेट है, वो अगर वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, इसके लिए भी स्टेट दोषी है। नहीं, अगर कोई आदमी इलिटरेट है तो उसको किसी के साथ बलात्कार करने या बलात्कारियों का सहयोग करने का अधिकार तो नहीं मिल जाता। ठीक है, उसका ये उसका पनिशमेंट जरूर होगा कि उसका उसने बलात्कारियों का क्या नाम है एक तरह की सहायता की या उसने कुछ नहीं किया, पर इसकी पनिशमेंट वो ये भी बोल सकता था अगर वो ये स्टेटमेंट देता कि हाँ क्योंकि मैं मेरा भाई इन्वॉल्व था, मैं दबा हुआ हूँ, मुझे वो लोग मार देते, मुझे गुस्से में मार देते कि तू गलत है, मुझे हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देते, मैं कम्युनिटी से बाहर हो जाता, मेरी नौकरी चली जाती, मेरा घर चला जाता, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सका। उसने ये स्टेटमेंट नहीं दी। नहीं तो अगर वो ये स्टेटमेंट देता हाँ तो क्या बच जाता उस स्टेटमेंट में भी? तो भी वो दोषी माना जाता ना। यही, क्योंकि उसने ये स्टेटमेंट नहीं दी, उसके माइंडसेट के ऊपर सर्कमस्टांशियल एविडेंस को मानते हुए उसको डेथ करार दिया। नहीं तो माइंडसेट जो है अगर किसी इंसान का सही नहीं है और वो न्याय और अन्याय में, गलत और सही में फैसला नहीं कर सकता है तो उसको फांसी चढ़ जाने में जो है क्या बुराई है? फांसी नहीं, उसको करेक्शन होम में भेजना चाहिए जहां पर उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको नॉलेज दी जाए कि लड़की और लड़के का जो ओहदा है वो बराबर तो है। इस तरह के से तो जितने लोग भी जो है हिंदुस्तान में या विश्व में बलात्कारी हैं या बलात्कार करने का आरोप कर रहे हैं, तो आपकी अगर बात माने सरकार और न्यायाधीश लोग और सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, राष्ट्रपति महोदय, तो उस हिसाब से तो दुनिया के सारे बलात्कारियों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनका माइंडसेट सही करने के लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि बलात्कारियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जी। ये बड़ा अच्छा है कि बलात्कारियों को फांसी की सजा मिली है जी, ये बड़ी खुशी की बात है और ये जल्दी होना चाहिए जी। पर जो आदमी इनोसेंट है, जिसने हेल्पलेसली अपना दिमाग को ना लगाते हुए, कानून को ना समझते हुए, अनदेखे में या ना समझी में या अपने को असहाय फील करते हुए बलात्कारियों का साथ दिया, उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो है यूनिक रिबेल है, हाँ जी, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? देखिए, मैं तो हिंदुस्तान का वासी हूँ, हिंदी तो मुझे आती ही है,
और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हिंदी बोलना मेरे लिए। नहीं, आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, इससे जो है जनता तो ये भी चीज जो है सोचना चाहेगी कि कहीं आप जो है ये अपना निक नेम तो नहीं बता रहे हैं मीडिया को, ओरिजिनल आप कुछ और हो। देखिए, ओरिजिनल मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी जो बातें हैं वो मैं फ्रीली बात नहीं कर पाऊंगा, फ्रीली बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है मेरा कि लोगों को नॉलेज देना और दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना और दुनिया को एक नया रास्ता देना। अच्छा, क्योंकि वो क्योंकि तो दुनिया को नया रास्ता देने के लिए ये मुकेश सिंह जो सजा याफ्ता है, जिसको फांसी की सजा होना है, इसी को आपने या इसी मुद्दे को क्यों चुना? यूं तो दुनिया में और देश में जो है हजारों सैकड़ों मुद्दे ऐसे हैं जिनको चुनकर आप जो है दुनिया को शिक्षा दे सकते थे और उसको एक मैसेज दे सकते थे, दुनिया वालों को जो है शिक्षा अपने स्तर पर बता सकते थे कि एटमॉस्फेयर किस तरह से बनाया जाए, इसी सब्जेक्ट को या इसी व्यक्ति को क्यों चुना? देखिए, मैं पिछले 30 साल से कोशिश कर रहा हूँ, किताब लिखूँ, चैनल बनाऊँ, इंटरव्यू दूँ, किताब इलेक्शन लड़ूँ, लोगों से मिलूँ, ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ, किसी एक ना या दूसरे कारण अपने प्रोफेशन या ज़्यादा लोगों की सपोर्ट ना मिलने से मैं सिर्फ डेटा इकट्ठा करता चला गया हूँ। क्योंकि मैं आपसे सिराज भाई से मिला हफ्ता पहले और इनको देखकर एक मुझे नई आशा जगी कि मैं अब इंटरव्यू दूंगा और इस बात को फैलाऊंगा। और क्योंकि मुकेश सिंह का जो फांसी है वो 5 दिन के बाद है, तो मेरी ये इंसानियत भी मुझे कहती है कि मुझे इस पर जल्दी एक्ट करना चाहिए, तभी मैं एकदम से आया हूँ। तो हो सकता है ये काम भी कितने दिन आगे डिले होता चला जाता। तो अब आप जो है इस इंटरव्यू के बाद आपका अगला कदम क्या होगा इस मामले को लेकर या और दूसरे मामलों को लेकर? देखिए, मेरे इस मामले में मेरा विचार है कि मैं अर्जेंट PIL डालूं या चीफ जस्टिस से मिलूं या प्रेसिडेंट से दोबारा मिलूं। मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पीछे जो कंसेप्ट है वो दुनिया में आज तक ना समझ सका कोई, ना समझ सका था, ना समझ सकेगा। तो जब समझ नहीं सकेगा तो उस कंसेप्ट को जो है लोगों को बताने का क्या मतलब है? समझ नहीं, इतनी गहराई तक कोई नहीं समझ सका। नहीं, हम आपके सामने बैठे हुए हैं, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आपने यही सवाल उठा दिया कि उस कॉन्सेप्ट को, उस स्टडी को, उस अध्ययन को ना आज तक कोई समझ सका, ना समझ सकेगा, ना मैं समझा सकूंगा, ना वो जान सकेगा, तो उस बात को कहने का क्या मतलब है? नहीं, मेरा थोड़ा सा मैं बात को अपना बदल रहा हूँ, इतनी गहराई तक कोई समझ नहीं सकता। नहीं, बात हमारे सामने आके बहुत से लोग बात बदलने लगते हैं, तो आप बदल रहे हैं तो हमें इसमें कोई नहीं, वो नहीं हो रहा मैं, मैं बदल नहीं रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ, मैं बदल नहीं। आपने अभी कहा कि मैं आपकी अपनी बात को थोड़ा बदल रहा हूँ, थोड़ा बदल नहीं रहा, उसमें थोड़ा सा ना एडिशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो पत्रकार नहीं हूँ जो पैसे लेके लोगों के स्पॉन्सर साक्षात्कार करता है और अच्छी अच्छी बातें ही जो है उनकी दिखाता है। बिल्कुल, मैं आप जो है लोगों को सामने बिठाते हैं और आमने सामने डिस्कशन करके या तो खुद धुल जाएंगे उनकी नॉलेज के आगे या उनको धोएंगे, ताकि जनता में एक सही मैसेज जाए कि पत्रकारिता अभी भी जिंदा है। तभी तो हमने सिराज जी को चुना है, हमें पता है सिराज जी ऐसी बात करेंगे कि जो ऐसी जो सही हो, लॉजिकल हो, जिसको करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है लोग एक दूसरे का मक्खन लगा लगा के गलत लोग, गलत जर्नलिस्ट, गलत आदमियों को ऊपर उठाते हैं और वो दुनिया में बात फैल रही है। गलत लोगों की बातें फैलना वाला कि गलत रास्ते पर चलना, तो इसीलिए मैं बात को मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सिराज जी का कि आपने बात उठाई। मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसको ये कह रहा हूँ कि इस हद तक कोई समझ नहीं सका, इस गहराई तक कोई जा तो नहीं इस सका। गहराई तक और इस हद तक जो है अपनी पूरी थारोली जो प्लानिंग है आपकी, समाज को, देश को, दुनिया को अपनी बात समझाने के लिए, जिससे समाज में बलात्कार तरह की चीज़ें भी ना हो, लोग जो है उनका दिमाग खुल जाए, महिलाओं की लोग इज्जत करें, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इस प्लान के ऊपर जो है अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, उसको कैसे करें? देखिए, पहली बात ये है, मैं कट्टर हिंदू हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर राम टेम्पल बनने दिया जाए तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। अब आपने एक मुद्दा और छेड़ दिया, राम टेम्पल के ऊपर 5 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है कि वहां मंदिर निर्माण होना है,
तो अब आप तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट में PIL डालकर इसके ऊपर बहस करना चाहता हूं कि राम टेम्पल बनना हिंदुस्तान के हित में नहीं है, क्योंकि रामायण में सीता को की अवहेलना की गई, उसको जंगल में छोड़ दिया गया राम ने मरने के लिए। उससे इस बात का क्या सरोकार है कि सीता को छोड़ दिया गया? पहले क्वेश्चन मेरा जो है, सीता जी को अगर जो है छोड़ दिया गया जंगल में, वो दूसरा कंसेप्ट था, दूसरा क्वेश्चन था, दूसरी परिस्थितियां थी। भगवान राम का मंदिर बनना वो दूसरी परिस्थितियां हैं, क्योंकि भगवान राम का जन्म वहां हुआ है, जैसा कि कोर्ट में वकीलों ने साबित कर दिया है। तो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में वकील जो पैरवी नहीं कर सके, वो हार गए अपना केस मुस्लिम पक्ष या दूसरे पक्ष जो थे, और रामलला और राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया। तो आप ऐसा कौन सा टैलेंट रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को आप वो बातें समझा देंगे जो इतने बड़े बड़े वकील नहीं समझा पाए, और केस जीत चुके हैं राम मंदिर के समर्थक, तो दोबारा से फाइल कैसे खुलेगी? यही बात मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो समझ है, उसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि उस हद तक कोई पहुंच नहीं सका। आपकी नॉलेज और समझ का मैं टेस्ट लेता हूं। मैं इसी पर पहले मैंने इस पर बात पूरा करने दी, क्योंकि इसका बलात्कार से भी संबंध है जी। क्योंकि राम ने रामायण में सीता की एग्जिस्टेंस को, सीता की जस्टिफिकेशन को, सीता की इनोसेंस को नहीं समझा। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई गलती से भी किसी का बलात्कार होता है, या गलती से भी कोई औरत पर कोई लांछन लगती है, तो उसको त्याग देना चाहिए, उसको टॉर्चर करके मार देना चाहिए। यही बात जो निर्भया का रेपिस्ट है मुकेश सिंह कहता है कि जो औरत है वो पैदा ही ऐसी हुई है कि अगर वो गलती से भी, उसकी भी गलती हो, अगर उसने गलत कपड़े पहने तो उसकी गलती है, आदमी की कोई गलती नहीं। ऐसा ही राम ने कहा, उसकी कोई गलती नहीं है। लोग अगर सीता के बारे में गलत कह रहे हैं तो उसका ये हक बनता है, या उसका ये ड्यूटी बनती है कि सीता को त्याग दे, उसको मरने के लिए छोड़ दे। अगर ऐसा कल्चर, ऐसा माइंडसेट लोगों के माइंड में होता है तो वो किसी भी औरत को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा निकालेंगे, औरत को डिग्रेड करेंगे, और ये क्राइम बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस वक्त खास तौर से हिंदुस्तान में जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, जितनी भी अनैतिक घटनाएं हो रही हैं, वो भगवान श्री राम ने, क्योंकि सीता को त्याग दिया था अग्नि परीक्षा के लिए, इसलिए हो रहे हैं। देखिए ये सिर्फ एक कारण है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम ऐसे भगवानों को पूजते हैं जो पॉलीगेमी रखते थे, 100-100 बीवियां रखते थे, अपने महलों में गोपियों को लचाते थे। भगवानों के ऊपर टिप्पणी करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपने खुद कहा कि आप एक कट्टर हिंदू हैं। भगवान तो अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई धर्म हो दुनिया का, उनको आप आम इंसान से कंपेयर करके अगर करेंगे तो स्थिति और चौपट होगी। सुनते रहिएगा, भगवान कृष्ण की जो है लाखों गोपियां थी, तो क्या आज ये किसी इंसान को इस बात की छूट दे दी जाएगी कि वो उतनी गोपियों को रखे? वो तो एक कंसेप्ट, एक मैसेज देने के लिए बड़े बड़े अवतार इस तरह की चीजें करते थे। अब मैं इस पर आता हूं। देखिए मैं कट्टर हिंदू हूं, और एक बात मैं पूरे वर्ल्ड में चैलेंज करके किसी भी फेथ को, किसी भी गुरु को, किसी भी मैसेंजर को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी आदमी को, किसी की हिस्ट्री को, किसी पॉलिटिक्स को, किसी फिलोसफर को, सबको इनवाइट करता हूं। मुझे बताओ किस रिलीजन में ऐसा लिखा है जिसमें कि भगवान को क्लेरिफाई किया गया, और भगवान का बाप जो कार है, जिसने सब भगवानों को बनाया है, वो लिखा हो। जितने भी रिलीजन है, क्रिश्चियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिखिज्म है, सब गुरु हैं, भगवान के चेले हैं, भगवान के चरणों में पड़े हैं। एक हिंदुस्तान हिंदुत्व, एक हिंदुइज्म ही ऐसा रिलीजन है जिसमें बताया जाता है कि भगवान काल के सामने असहाय है। ये काल है जिसने भगवानों को बनाया है, और ये काल ही है जो इन भगवानों को बनाता है और तोड़ता है। इन फिलॉसफी से
जो बातें आप बता रहे हो, क्या ये तर्क देने से मुकेश सिंह जो कि बलात्कार का दोषी सिद्ध हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की मार्फत और 22 तारीख को उसको सजा दी जानी है, क्या आप उसको रोकने में कामयाब होंगे? देखिए, जो हम ठान लेते हैं पहाड़ भी टूट जाएगा उसके सामने। अगर वो ऐसा नहीं करते हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो एक इनोसेंट अगर मरता है तो 1,00,000 लोग मरेंगे यहाँ, वो पॉलिटिक्स भूल जाएंगे, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं ये भी मान के चलता हूं, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं तथ्यों के ऊपर कह रहा हूं। मैं चाहता हूं हिंदुइज्म बढ़े, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में फैले, पर जो रेपिस्ट है उनको रेपिस्ट ही कहा जाए और जो लोग अच्छे हैं उनको अच्छा ही कहा जाए। हिंदुइज्म में बुद्धिस्ट थे, सिद्धार्था थे, उनको क्यों नहीं प्रमोट किया गया? आप ये बताइए कि इन सब बातों का मुकेश सिंह की फांसी की सजा से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि मुकेश सिंह जैसे जो लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, वो गोपियों का और कृष्णा का और रामा का और रामा का सीता से ट्रीटमेंट का, और वो जो अपने ऐसे रेपिस्ट बाप को जो एक 3 पत्नियां रखता था और बाप कहता है कि मैं तेरा पूज्य, मेरी सुनिया, अगर आप रामचंद्र जी की या भगवान कृष्ण की एक आधा चीज जो कि समाज को जो है शिक्षा देने के लिए उन्होंने की, उसकी निगेटिविटी, उसकी नकारात्मकता को ढाल बना के मुकेश सिंह को बचाना चाहते हैं, तो इन दोनों अवतारों के बहुत से सकारात्मक और अच्छे पहलू हैं। उन पहलुओं को क्यों नहीं जो है मुकेश सिंह जैसे लोग अख्तियार करते हैं अपने जीवन में, इसका जवाब दे दीजिए। मैं बताता हूं, सकारात्मक चीजें रामायण की और राम की लेकर ही मुकेश सिंह ने ये क्राइम किया। बोलो कैसे? कैसे? रामायण में कहते हैं आपका बड़ा भाई राम, राम जो भरत, राम भरत का भाई राम, लक्ष्मण का भाई राम भगवान है, जो वो कहता है वो सच है। कहीं नहीं कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये हिंदू धर्म के लोग भी नहीं कहते हैं भगवान, वो तो जो है शब्द रूपी जो है चीजें हैं, उस हिसाब से जो है मैं उस हिसाब से बात को समझ रहा हूं जो नीचे तबके के लोग समझते हैं। उसमें क्या लिखा रामायण ने, क्या लिखा सूरदास ने, क्या लिखा किसी ने, क्या क्लैरिफाई कर दिया बाद में, क्या लिखा, ये बात की चीज है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि मुकेश सिंह जैसा आदमी जो पढ़ता है रामायण को या लोगों से सुनता है तो वो क्या माइंड में बात लाता है। अच्छा, एक और वो ये कहता है कि मेरा भाई राम सिंह, जो उसका भाई जिसने रेप किया और जिसने की सुसाइड, क्या नाम है, फांसी लगा के सुसाइड कर लिया, जो वो कर रहा है 32 साल का है, सही कर रहा है, मुझे इसको अपोज नहीं करना चाहिए। और मुकेश जो राम सिंह था उसने उस लड़की को रेप किया, उसको टॉर्चर किया, सुसाइड किया। मुकेश सिंह को समझ में नहीं आया, वो ना वो इधर का रह पाया ना उधर का रह पाया, और उसकी उसकी बातों को मीडिया ने उछाला, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे उसको कमीशन। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि इन सारी सब अव्यवस्थाओं, कानून के लूज पोल और समाज में फैले हुए व्यभिचार, बलात्कार करने को जो है वातावरण बनता है या मानसिकता बनती है, उसको दूर करने के लिए हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में बलात्कार हुए हैं, तो आपने, मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं, मुकेश सिंह की ही पैरवी करने की क्यों सोची? देखिए, क्योंकि मेरा जो नॉलेज लेवल है, जो समझ है, मैं उस हद तक पहुंच चुका हूं जो नहीं, नॉलेज लेवल यहीं पे आके रुक गया। मैं बलात्कार तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी हुआ। देखिए, उसकी फोटो से मैं समझ गया, उसके नाम और फोटो से समझ गया कि ये आदमी इनोसेंट है। और नाम और शक्ल से जो है पहचान जाते हैं आदमी, नाम से, शक्ल से, और उसके क्या नाम है, उसकी फोटो से भी और उसकी वीडियो से भी। जब आपसे बात कर रहा हूँ आधे घंटे से, तो हाँ। आप हमारे बारे में जब आप इतने बिल्कुल आपको भी समझ गया, तो आप हमें बता दें कि हम नकारात्मक हैं कि सकारात्मक हैं, कि अकलमंद हैं, हम क्या हैं? आप सकारात्मक हैं और अकलमंद हैं, तभी मैं आपके सामने इंटरव्यू कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता।
तो ये तो आप जो है एक तरह से जो है हमें कॉम्प्लीमेंट दे के जो है सोच रहे हैं कि हम और आपके ऊपर हल्का हाथ रखें। देखिए मेरे पर हल्का हाथ रखने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं आप इतना मोटा हाथ रखें ताकि जो दूसरे बंदे हाथ रखने की कोशिश भी करें तो उनका हाथ सड़ जाए। अच्छा आप और किस दिशा में जो है आपको जो है महारत हासिल है उससे रिलेटेड कुछ बोलिए, फिर मैं आपके ऊपर कर्रा हाथ रखता हूं। देखिए आपका जो माइंड पावर होती है, माइंड के थॉट्स होते हैं, उसमें इतनी पावर होती है कि वो आपका फ्यूचर और डेथ के बाद आपकी पोजीशन उसको बदल सकता है। इसको लोग मेडिटेशन भी कहते हैं, पर ये मेडिटेशन नहीं है, ये उससे भी ऊंची चीज़ है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, पैसे वाले हैं या नहीं हैं, पैसा होने के बाद भी वो शोहरत ढूंढते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों का माइंड उनकी तरफ डाइवर्ट होए। वो माइंड एक पावर है, वो माइंड ही गॉडों को बनाता है, गुरुओं को बनाता है। आप एक पत्थर में माइंड लगाते हैं वो गॉड बन जाता है, आप एक किसी भी आप किसी मूर्ति बनाते हैं उसे माइंड लगाते हैं वो लोग चाहते हैं उनका नाम हो। सपोज दैट मुकेश सिंह को फांसी हो जाती है, उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए मैं तो इनजस्टिस पिछले कितने सालों से देख रहा हूं, ये तो आज हमें शिराज जी मिले हैं, मेरे में होप जगी कि मैं कोई ऐसा इंटरव्यू ऐसा काम कर सकूंगा कि मैं इनोसेंट्स को बचा सकूंगा। तो ये एक जिसे कहते हैं एक सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, एक आइडिया ऐसा लग गया कि मैं उठ गया और ये शुरू हो गया। ये इंटरव्यू हम आपको दे रहे हैं बना के, जैसे कि आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू तो मैं ले रहा हूं, तो ये इंटरव्यू आप कहां भेजेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजना चाहता हूं, प्रेसिडेंट को भेजना चाहता हूं, और PIL लगाकर ये पेश करना चाहता हूं कि ये मेरे तथ्य हैं, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करूंगा मैं कि स्टॉप किया जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं आपका शिराज जी बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं, आप मुझे मिले, मेरा दिमाग खुला, मेरी बातें शायद देखे, इससे दुनिया का ही फायदा होगा, हम जो हैं सो हैं। ओके थैंक यू। CAA के विरोध में शाहीन बाग में प्रदर्शन जोरों पर है, इसको लेकर सभी मीडिया कर्मी अपने अपने तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहे जाने वाले न्यूज नेशन के एंकर दीपक चौरसिया और जी टीवी के प्रबंध संपादक और एंकर सुधीर चौधरी ने शाहीन बाग में जाकर जिस तरह से रिपोर्टिंग की है उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। ये दोनों मोदी भक्त पत्रकार इस तरह से वहां पहुंचे जैसे कि वे किसी युद्ध में जा रहे हैं। अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को लेकर शाहीन बाग की जिस तरह से इन लोगों ने नकारात्मक रिपोर्टिंग करने का बीड़ा उठाया, उससे पत्रकारिता को लेकर अपनाई गई नीति और सोच का पर्दाफाश होता है। एक तरफ मुसलमानों को ये शिक्षा दी जाती है कि वो राष्ट्रभक्त बने और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर राष्ट्रभक्ति के गीतों को गाएं और राष्ट्रभक्ति का परिचय दें, जब वही मुसलमान कौम तिरंगा उठाकर जंगल मंगल गाती है और भारत जिंदाबाद के नारे लगाती है तो दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी जैसे तथाकथित बड़े पत्रकार जो अपने आप को मीडिया में सबसे बड़ा पत्रकार मानते हैं वो इस तरह से उस रिपोर्टिंग को दिखाते हैं कि जैसे मानो शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाले गद्दार हैं। इसी तरह से जिस तरीके से ये दोनों पत्रकारों ने वहां जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एजेंडे को लागू करने के लिए एक तरफा रिपोर्टिंग की, उससे इनकी सोच उजागर होती है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों पत्रकारों का बहिष्कार वहां धरना दे रही जनता ने क्यों किया? इनको अपने गृहवान में भी झांकना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पत्रकार मीडिया में बदनाम हो चुके हैं कि ये एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का महिमा मंडन करते हैं, पत्रकारिता के सिद्धांतों की दुहाई देने वाले चौरसिया और
सुधीर चौधरी को एक पत्रकार की हैसियत से मेरी खुली चुनौती है कि वे शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन या पूरे देश में हो रही तुच्छ राजनीति, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो, उस पे खुले मंच पे मुझसे डिबेट कर ले, मैं पत्रकारिता भी छोड़ दूंगा और राजनीति भी छोड़ दूंगा। स्टूडियो में बैठकर टाई लगाकर बड़ी बड़ी बातें करना और फिर अपने कमांडो अपने सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ शाहीन बाग में जाके एक तरफा रिपोर्टिंग कर समाज में ये मैसेज देना कि शाहीन बाग में धारा 370 के जैसे स्थिति है, ये साबित करता है कि ये मोदी और शाह के चमचे की हैसियत से पत्रकारिता कर रहे हैं, ना कि एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार की तरह से दोनों पक्षों की बात के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं। सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया का ये कहना है कि वे शाहीन बाग में रिपोर्टिंग करने इसलिए गए क्योंकि वो वहां धरना दे रहे, सरकार का विरोध कर रहे, सीए के मामले को एक सेतु की तरह सरकार के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। इन दोनों पत्रकारों में अगर हिम्मत है तो एक बार हमें अपने स्टूडियो में बुलाएं या खुले मंच पे हमसे डिबेट करें। मैं उनको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस किस तरीके से गलत बयानी कर देश में माहौल बिगाड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो प्रमुख वादे किए थे उनको पूरा करना उनका परम कर्तव्य था। पहले उनको प्राथमिकता के आधार पर लोगों को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन रोजगार देना तो दूर, आज जो आंकड़े हैं उस हिसाब से 364,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। निजी क्षेत्र को जिस तरह से सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का काम किया जा रहा है उससे उनकी नियत साफ होती है, रोजगार देना तो दूर, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहीन बाग में धरने पे बैठी महिलाओं से एक बार भी प्रतिनिधि मंडल भेजकर नहीं बात कर सकते। प्रधानमंत्री होने के लिए उनको ये भी कर्तव्य है कि वे कोई भी आदमी लोकतंत्र में अगर विरोध कर रहा है तो उसकी बातों को सुने और उसका समाधान करें। बात सही है या गलत इसका फैसला बाद में होगा, संवाद होना चाहिए। जिस तरीके से सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया ने वहां जाके रिपोर्टिंग कर अपने चैनलों पे उसको दुर्भावना की तरीके से पेश किया है, उससे एक बार फिर साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुछ मीडिया घराने उनके भोपू की तरह से और उनके एजेंडे को लागू करने के लिए लगे हुए हैं। मैं फिर उन लोगों को चुनौती देता हूं, इस तरह के सारे पत्रकारों को जो एक तरफा तौर पे सरकार के द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों का भी महिमामंडन कर रहे हैं और अपना पत्रकारीय फर्ज ईमानदारी से नहीं पेश कर रहे हैं और नहीं निभा रहे हैं, वे खुले मैदान में या स्टूडियो में बैठकर पूरे 5.5 साल के कार्यकाल पे मुझसे डिबेट कर ले, चाहे वो संबित पात्रा हो जो बीजेपी का प्रवक्ता हो या कोई और बीजेपी का नेता, हर मुद्दे पे, चाहे गौरक्षा का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, बाबरी मस्जिद का मामला हो, धारा 35A आर्टिकल 370 का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, किसानों की समस्या हो, निष्पक्ष चुनाव का मामला हो, किसी भी मामले पे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता और उनके द्वारा प्रायोजित किए गए पत्रकार मुझसे बहस कर लें। अब मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अनुराग ठाकुर की। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गोली मारो गद्दारों को, पहले तो ये तय होना चाहिए कि गद्दार कौन है। सिर्फ गद्दार मुस्लिम है अगर तो उनको सबको गोली मार दो, लेकिन पहले ये तो तय करो कि गद्दार की डेफिनेशन क्या है। 2 कौड़ी का नेता कपिल मिश्रा जो करावल नगर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो कहता है कि गोली मारो गद्दारों को।
जब पहली बार आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़ा था तो उन्हीं मुसलमानों के चरणों में पढ़कर वोट मांगता था, तब मुसलमान गद्दार नहीं थे, मुसलमान सिर्फ वोट के लिए है। मैं किसी धर्म या जात का समर्थक नहीं हूँ, मैं भी एक पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के नाते मैं भी शाहीन बाग गया, मैंने वहाँ के लोगों से यहाँ तक के कहा कि दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी को अपना पक्ष रखने के लिए तुम लोगों को मंच देना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने मुझसे कहा कि ये लोग, हम लोग बात कुछ करते हैं उसको अपनी तरह से एडिट करके अपने चैनल पे चलाते हैं और लिपसिंग कर देते हैं, हम भारत माता की जय कहते हैं वो दिखा देते हैं कि हम कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ये क्या है? इस बात का जवाब सूचना प्रसारण मंत्री और चैनल के तथाकथित बड़े पत्रकारों को देना होगा। एक पत्रकार की हैसियत से मेरी खुली चुनौती है कि मेरे द्वारा बनाई गई चार फिल्में द रियल जर्नलिस्ट 2, रियल जर्नलिस्ट 3 और रियल जर्नलिस्ट 4 यूट्यूब पे पड़ी है। सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया और इनके जैसे सारे पत्रकार देख ले, इनकी आंखें खुल जाएगी कि पत्रकारिता क्या होती है, निष्पक्ष रिपोर्टिंग क्या होती है। राष्ट्रहित में जारी, जय हिंद जय भारत।